हर हर महादेव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर छठ का व्रत किस दिन पड़ रहा है? हर छठ को कई नामों से जाना जाता है। इसे हल छठी के नाम से और हर छठी के नाम से, ललही छठ के नाम से, बलराम जयंती के नाम से और तिल छठी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत का बड़ा विशेष महत्व होता है। यह व्रत सभी महिलाएं अपने बच्चे की सुख समृद्धि और लंबी आयु के लिए इस व्रत को करती हैं। 2024 में आपकी तिल छठी किस दिन पड़ रही है, आपको इसी वीडियो के अंत में बताएंगे कि तिल छठी के व्रत में आपको किस तरह से पूजन करना चाहिए, पूजा की विधि क्या है और क्या खाएं क्या ना खाएं, पूजा करने की शुभ मुहूर्त कब से कब तक है और किस तारीख को आपको व्रत करना है। ऐसी जानकारी के लिए जो भी भाई बहन चैनल पे आज पहली बार आए हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो भी वीडियो हो आगामी व्रत त्यौहार हम सबसे पहले आपके पास पहुँचा सके। दर्शकों, ललही छठ में सबसे पहले गणेश भगवान की पूजन की जाती है। कुछ माताएं इसे तालाब के किनारे जाके व्रत और पूजन करती हैं और कुछ माताएं जो अपने घर पे एक गड्ढा खोद के उसमें गोबर से लेप कर उसमें कुश और ढांक के कुछ डालियों को गाड़ देती हैं। उसके बाद सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजन करती हैं, फिर माँ गौरी की, फिर छठी माता की पूजन करती हैं। पूजन में किन्हीं किन्हीं स्थानों पे सात अनाज भी समर्पित किए जाते हैं और किन्हीं स्थानों पे मात्र महुआ और भैंस के दही का भोग लगाया जाता है। जब आप व्रत को खोलते हैं तो महुआ और भैंस के दही को खाकर व्रत भी खोला जाता है। तो आपके यहाँ जो भी समर्पित किया जाता हो भोग में, आप वही प्रसाद में समर्पित करिएगा। पूजा अर्चना के बाद आप छठी माता की कथा अवश्य पढ़िएगा। इस व्रत में दर्शकों भूल कर भी आप हल से जोते हुए वस्तु को ना खाएं। ऐसा करने से आपका व्रत व्यर्थ में चला जाता है। व्रत में तालाब और सरोवर के बनी चीजों को ही खाना चाहिए। आपका बार की ललही छठी का जो त्योहार है वो 24 अगस्त को दोपहर 12:30 पे प्रारंभ होगा और 25 अगस्त को 10:11 पे समाप्त होगा। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार आपको 25 अगस्त को ही व्रत रखना है। जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।